कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन उनकी ओर से किया गया है। हजार से ज्यादा महिलाएं बूढ़ापारा धरना स्थल पर पहुंची। कलेक्ट्रेट दर पर मानदेय देने की मांग करते हुए कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेतावनी दी है, यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। मामले में मौके का जायजा लेकर आंदोलन कर रही महिलाओं से बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन ने। आज प्रदेश भर के सभी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता की जो महिलाएं हैं वो रायपुर के बूढ़ापारा धरना स्थल पर आंदोलन दे रही है। आप देख पा रहे हैं इस वक्त बड़ी संख्या में, लगभग 15,000 से ज्यादा की संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहां पर एकत्रित हुई हैं और धरना प्रदर्शन कर रही है। इनकी एक सूत्री मांग है कलेक्ट्रेट दर जो है वो इन्हें दिया जाए, लेकिन अब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हुई, जिसकी बात आज पूरे प्रदेश भर से बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। यहाँ पर उनकी प्रदेश अध्यक्ष है, सीधा उन्हीं से बातचीत करते हैं, क्या मांगे हैं, कब से यह आंदोलन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, पिछले बार भी आप लोगों को ज्ञात है कि 9-10 जून को एक जबरदस्त महापड़ाव रखा गया था, जिसमें दिन रात और दिन कार्यकर्ता बहनें बैठी थी, डटी हुई थी, भीषण गर्मी में भी यहाँ पर सोई थी रोड पर, और उसी क्रम में उसके बाद हमारे पास एक महीना समय था और माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे शासन के पास एक महीने का समय था कि वो हमसे बातचीत करते, लेकिन आज तक उन्होंने हमसे बातचीत नहीं करी। हमारी मांगों पर उन्होंने मानदेय बढ़ाने की सहमति नहीं जताई, इसीलिए उसी क्रम में ये 3 दिवसीय मतलब यह हड़ताल है उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए। 7, 8 और 9 तारीख को यहाँ पर हम उनका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। और भी महिलाएं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ये मांग आप लोग एक सूत्री मांग रख रहे हैं, लगभग कितने आप लोग आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं जो ये मांग को लेकर के डटी हुई हैं। जी हमारे पूरे प्रदेश में तो पूरे 1.25 लाख की संख्या है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 9 और 10 को भी हमारी संख्या भरपूर 60 से 70 हजार संख्या आई हुई थी। अभी हमारे देख रहे हैं, अभी आप अभी जैसे बोल रहे थे 15,000, उससे भी ज्यादा संख्या है, और हमारी 25-30 हजार की संख्या बाहर में शासन की दमन नीति के कारण हमारी पूरी पुलिस फोर्स लगा दी गई है, सब जिले में रोक लगवा दिया गया। यहाँ पर अगर आज के बाद भी आपकी मांगे जो है पूरी नहीं होती तो आगे क्या रणनीति रहने वाली है। बिल्कुल अनिश्चितकालीन, इसके बाद हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसी सभी का मांग पूरा किए हैं, हर विभाग का, वैसी हमारा जल्द से जल्द मांग पूरा करें। तो आप जैसे कि देख सकते हैं आज राजधानी रायपुर में जितनी भी आंगनबाड़ी की महिला जो कार्यकर्ताएं हैं वो यहां पर एकत्रित हुई हैं। इनकी एक सूत्री मांग है कि कलेक्ट्रेट दर जो है वो इन्हें दिया जाए, जिसको लेकर के प्रदेश भर से हजारों की संख्या में महिलाएं जो है वो यहां एकत्रित हुई हैं। उनका कहना है कि यदि आज के आंदोलन के बाद भी मांग पूरी नहीं होती तो आगे आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो की जाएगी। कैमरामैन भूपेश जांगले के साथ मोहम्मद हसन, NH24/7 रायपुर।